हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है ये है कंपनीज एक्ट 2013 का रजिस्टर एंड रिटर्न्स वाला पार्ट। यस, रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स वाला पार्ट बिलोंग्स टू चैप्टर 7, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो कंपनीज एक्ट 2013 में जो चैप्टर 7 है दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी के अंदर रजिस्टर्स And return is from section 88 to section 95. Yes, in this particular video we will be discussing on section 90. Very important section, very very important section. I request everyone, before seeing section 90, before understanding what section 90 talks about, everyone should be thorough with section 89. बिकॉज सेक्शन 89 और 90 बहुत बार लोग जो है उसे एक कंसिडर कर लेते हैं या उसे कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो सेक्शन 90 को समझने से पहले इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले सेक्शन 89 वाला वीडियो अच्छी तरह से देखें। श्योर अबाउट दिस? पक्का। सेक्शन 90 इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेक्शन जो पहले था इसको आउटराइटली पूरा चेंज कर दिया गया है। सेक्शन 90 में पहले इसकी हेडिंग ऐसी हुआ करती थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स इन सर्टन केसेस, जहां पे ऑल द पावर्स वर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये पूरी पावर्स जो है कुछ हद तक कंपनी पर शिफ्ट हो गई है और कुछ हद तक तो हम देखेंगे SBO पर शिफ्ट होगी, और इसमें 2018 और 2019 में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, नए रूल्स आए हैं। तो सेक्शन 90 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सेक्शन है। तो आइए इसको जल्दी से शुरू करते हैं, क्या कहता है सेक्शन 90। नाउ सेक्शन 90 इज अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन द कंपनी। Now, if you see, यहां पर ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब है SBO। याद रखना, जब कभी भी मुझे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बोलना होगा मैं SBO बोलूंगा। क्लियर है? ना, वॉट इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, इसको 2 मिनट बाद में समझेंगे, पहले इतना ही समझिए। वॉट आई एम ट्राइंग टू से यहां पर इज Let us see. Now, there is a company जो कि let us say XYZ, ठीक है, there is a company known as XYZ। अब इस company में there is Mr. A, okay, having 15% shares, and there is another company ABC Limited जो कि 45% held करता है, और इस company में बचा हुआ 40% PQR Limited बोलकर एक कंपनी है, वो होल्ड करता है। आर यू गेटिंग दिस? नाउ इन दिस एबीसी कंपनी 80% ऑफ द शेयर्स आर होल्ड लेट अस से बाय रिलायंस, एंड रिमेनिंग 20% आर होल्ड बाय टाटा कंपनी। जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, कोई रेलेवेंस नहीं इसको एक्चुअल कंपनी के साथ। अब हो ऐसा रहा है, थोड़ा समझिए, रिलायंस में यही मिस्टर ए का 100% स्टेक है। आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, और टाटा में भी मिस्टर ए का 80% का स्टेक है। अब आप देख रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली XYZ जो कंपनी है उसको मिस्टर ए ही कंट्रोल कर रहा है, राइट? मिस्टर ए
ही कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे मिस्टर ए का रिलायंस में 100% है एंड देन अगेन इट होल्ड्स 80%, दिस होल्ड्स 45%, सेम इज विद यहां पर इन दिस केस। अब ऐसा है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब क्या, ये कंपनी में दूसरी कंपनी में उसका और एक कंपनी का स्टेक है, और ऐसे कंटिन्यूसली दे क्रिएट लॉर्ड ऑफ पर्दा, और एंड में होता क्या है, उस पर्दे के पीछे एक ही व्यक्ति रहता है जो पूरा कंट्रोल करता होता है। जैसे यहां पर एक कंपनी है, वो बोलेंगे ये कंपनी में ये कंपनी का स्टेक है, ये कंपनी में ये कंपनी का स्टेक है, ये कंपनी में ये कंपनी का स्टेक है, सेम इज विथ लाइक दिस, एंड आपको बाद में पता चलेगा कि वो एक ही व्यक्ति है जो इधर भी कंट्रोल कर रहा है और इधर भी कंट्रोल कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? वो उसने ना ये सब ऐसे एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं जिससे लोगों को ये ना पता चले कि इस कंपनी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब यही सेक्शन ये सब ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये पर्दे के पीछे छुपा कौन है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कौन है जो ये कंपनी को चला रहा है। क्या आपको ये बात क्लियर है? आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब दो मिनट अगर आप यहां पर देखेंगे, देयर इज अ बॉडी, आई डोंट नो यू हैव हर्ड दिस और नो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF बोलकर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है। इसके 39 कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं, 39, यस। सो 39 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये जो बॉडी है ये क्या करती है गाइस? ये जो बॉडी है ये वर्ल्ड में जो लोग अननेसेसरीली मिसयूज करते हैं ये कॉरपोरेट कंपनीज का फॉर करप्शन, टैक्स इवेजन और खास कर मनी लॉन्ड्रिंग, आप समझ रहे हैं? अब तो FATF के एम्बिट में जो है टेररिज्म फंडिंग भी आया है। सो ये जो बॉडी है ये सब करप्शन, टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, जो लोग कंपनी के पीछे कंपनी, कंपनी के पीछे कंपनी, कंपनी के पीछे कंपनी, और फिर एक आधा कोई व्यक्ति निकलता है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है, तो FATF जो है उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करती है कि एंड में कौन है वो बेनिफिशियल ओनर जो ये पूरा गेम चला रहा है। आपको आई बात समझ में? सो अगर आप देखेंगे ये सेक्शन जो है उस SBO को, उस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आई आपको बात समझ में क्या हो रहा है? सो इंडिया ने भी कमिट किया कि जो भी SBO रूल्स FATF ने रेकमेंड करे हैं इंडिया उसको जो है तो कंप्लाई करेगा, उसको फॉलो करेगा। इसीलिए मेरा पहला कंक्लूजन आपसे यह है, अगर आपने सेक्शन 89 पढ़ा है तो सेक्शन 90 इज नॉट जस्ट कंसर्न विद यू नो डोमेस्टिक इश्यूज लाइक ब्लैक मनी एंड शेल कंपनी, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। वो इंडिया से इंडिया तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ना कि वो हमारा कोई लोकल इशू है, इट इज समथिंग बिग। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो अगेन आई विल टेल यू कि बहुत बार स्टूडेंट पूछता है कि सर सेक्शन 89 और सेक्शन 90 में क्या डिफरेंस है सर? थोड़ा समझिए, मैं बार बार बीच बीच में डिफरेंस आपको बताते जाऊंगा। तो जैसे सेक्शन 89 का बोलना क्या था कि अगर एक व्यक्ति रजिस्टर्ड होल्डर है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड होल्डर नहीं है बट उसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो आपको सेक्शन 89 में डिस्क्लोजर दे देना पड़ता था। सही है कि नहीं?
सेक्शन 89 में क्या होता था कि रजिस्टर्ड होल्डर कोई और है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और के पास है, तो सेक्शन 89 कहता था भैया चलो डिस्क्लोज कर दो। रजिस्टर्ड होल्डर भी एक डिस्क्लोजर दे देता था कि मैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं हूं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और के पास है, और जो जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो बता देता था कि रजिस्टर्ड होल्डर कौन है। क्लियर है एवरीबडी? इस सेक्शन 89 में इंटेंशन मैटर नहीं करता था, राइट? ऐसा हो सकता था कि हमारा कोई खराब इंटेंशन नहीं है, सो हो सकता है कि देयर इज अ फादर हु इज होल्डिंग अ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ उसके कोई बच्चे हैं जो माइनर है, तो हो सकता है कि जो फादर है वो रजिस्टर्ड होल्डर है, समवन एल्स इज अ बेनिफिशियल ओनर, तो दे विल डिस्क्लोज अंडर सेक्शन 89। सो यहां पर इंटेंशन कोई गलत तो है नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं सेक्शन 90 में इंटेंशन की बात है। यू आर डूइंग समथिंग इलीगल और यू ट्राइंग टू हाइड समथिंग और यू हैव इंटेंशनली क्रिएटेड लॉट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स कंपनी के पीछे कंपनी के पीछे कंपनी के पीछे, जिससे लोगों को पता ही ना चले कि ये कंपनी को एक्चुअल में कौन गवर्न कर रहा है। क्या तुम्हें ये एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो सेक्शन 89 में द इंटेंशन कैन बी गुड, द इंटेंशन कैन बी बैड। सेक्शन 90 एक्चुअली ट्राइज टू फोकस मोर ऑन सम सीरियस इश्यूज, नॉट ओनली लोकली नेशनली इंडिया लेवल पर बट इंटरनेशनल लेवल पर। क्लियर है ना? तो इसीलिए अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने आपको क्लियर बताया कि फोकस हमारा है SBO पर और दिस इज डन टू मेक श्योर देर इज नो करप्शन, देर इज नो टैक्स इवेजन, देर इज नो मनी लॉन्ड्रिंग। And FATF, which is an international body, has recommended some rules which India has committed. 39 countries iske members hain aur obviously India is one of them. The blacklist par jo abhi FATF ki do desh hain wo hai Iran aur North Korea. To some extent under observation Indonesia is also there. Anyways, we are not here to talk on that part. So section 90, I hope you have got the introduction ki section 90 ka एक तरह से क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या स्कोप है। क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट, अब दो मिनट पहले मेरे को सेक्शन 89 आपसे रिवाइज करवाना है। अगर आपको याद होगा सेक्शन 89 में देयर वर थ्री फॉर्म्स, MGT4, MGT5 एंड MGT6। क्लियर? MGT4, MGT5 एंड MGT6। अब आपको मालूम है MGT4 जो होता था वो रजिस्टर्ड होल्डर 30 डेज में फाइल करता था और MGT5 जो होता था वो बेनिफिशियल ओनर 30 डेज में फाइल करता था और कंपनी जो है आपके बताने से 30 डेज के अंदर ROC में अपना डिक्लेरेशन देता था। क्लियर है? दीज वर द थ्री फॉर्म्स, MGT4, MGT5 एंड MGT6। MGT4 was by registered owner, MGT5 was to be filed by beneficial owner, MGT6 was to be filed by company within 30 days. Clear? Sure about this? Pakka? Now, there was an amendment. The date is given 13th June 2018. So, pehle na section 89 mein sirf subsection 9 tak hi tha. ओके, सेक्शन 89 सब सेक्शन 9 तक ही था, फिर 13 जून 2018 को अमेंड कर उन्होंने और एक सब सेक्शन लाया, सेक्शन 89 सब सेक्शन 10, जहां पर उन्होंने पहले तो एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन दे दी और ये डेफिनेशन जो है हम सेक्शन 89 या 90 के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जरा दो मिनट पहले हम सेक्शन 89 में सबसेक्शन 10 में बेनिफिशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। सो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ शेयर इंक्लूड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम आगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों देखेंगे, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट। सो You have a interest with respect to a share. Directly भी हो सकता है और indirectly मतलब वाया वाया हो सकता है, through a contract arrangement giving you the right or the entitlement either alone
or together with some person. And that can be exercised with respect to all or any of the shares. And you also have a right to participate in dividend or any other distribution in respect of such shares. वेरी सिंपल. मैं एक बार हिंदी में अगर आपको चाहिए तो बता दूं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स का मतलब है आइदर डायरेक्टली या वाया वाया बाय कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट. आपके पास कोई राइट्स हैं शेयर्स के प्रति जो आप खुद अकेले या दूसरों के साथ मिलकर टुगेदर यू कैन एक्सरसाइज देम आइदर फुल्ली और पार्शली, और यू ऑल्सो हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड विथ रिस्पेक्ट टू सच शेयर. In this case, we will say that you have a beneficial interest. Clear hai? Sure about this? Uske baad, section 90. Section 90, jo ki 13 June 2018 mein full-fledgedly change hua tha. Usme kya bola gaya? Iski definition ko bade hi dhyan se dekhna hai. Ab sabse pehla part hai, every individual. आप बोलेंगे सर इतना इंडिविजुअल पर क्यों फोकस दे रहे हो. आपको आज मैं पहली चीज बताऊं, सेक्शन 90 इज ओनली ट्राइंग टू फोकस एंड फाइंड एन SBO हु इज अ नेचुरल पर्सन. यस, हमें सिर्फ वही ढूंढना है जो एक नेचुरल पर्सन है. अभी एकदम फिर से एक बार ध्यान से सुन लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था कि यहां पर एक कंपनी है और उस कंपनी में देर वॉज वन मोर कंपनी और उस कंपनी के अंदर देर वॉज अगेन अनदर कंपनी और इस कंपनी में ये कंपनी का स्टेक था और इस कंपनी में ये कंपनी का स्टेक था और फिर ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी में एक ये कंपनी थी. आपको एक बात बताऊं, सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल. आपको समझा क्यों? रूल कहना चाह रहा है इट इज नॉट द कंपनी जिसका करप्ट दिमाग है, इट इज अ पर्सन जिसका दिमाग करप्ट है. आप समझिए सेक्शन की भावना ये कह रही है कंपनी कुछ खराब नहीं कर सकती, कंपनी कुछ करप्शन नहीं कर सकती, कंपनी खुद से कोई टेररिस्ट फंडिंग या कोई टैक्स इवेजन नहीं कर सकती. ये तो कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं जिनके दिमाग में ये आ रहा है, जो एक्चुअल में ये पूरा ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर सेक्शन 90 फोकस देना चाहता है. आई बात आपको समझ में? एवरीबडी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो अगर यहां पर गाइज ये देखिए, अगर यहां पर ये जगह पर अगर एक व्यक्ति होता, देर वॉज अ पर्सन हु एक्चुअली कंट्रोलिंग, तो आई विल से सेक्शन 90 इज एप्लीकेबल. सेक्शन 90 विल बी एप्लीकेबल. यस, तो फिर सेक्शन 90 जो है वो एप्लीकेबल होता. क्लियर है? पक्का? एवरीबडी श्योर अबाउट दिस? सो हमारा फोकस यहां पर, अगर कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर कंपनी का स्टेक है तो उसमें SBO नहीं आएगा, उसमें SBO रूल्स नहीं लागू होंगे. SBO रूल्स लागू होते हैं जब एक इंडिविजुअल, एक नेचुरल पर्सन है जो ये पूरी गेम को चला रहा है. आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर एवरीबडी. Now what the definition says, एक बार फिर से अच्छी तरह से, मैंने पहले बता दिया every individual, ठीक है? Now every individual acting alone, मतलब अकेला ही है, or together with one or more person. देखिए acting alone मतलब मैं अकेला कंपनी में स्टेक होल्ड कर रहा हूं, ठीक है? टुगेदर एक्टिंग का मतलब होता है मैंने किसी को पैसे दिए और बोला कि तू भी उस कंपनी में शेयर्स खरीद, तो वो जो है वो शेयर्स खरीद रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन तो वही है जो मेरा इंटेंशन है. आई बात आपको समझ में? सो एक तो मैं अकेला या टुगेदर विथ वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट इंक्लूडिंग ट्रस्ट एंड दोज पर्सन विच आर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. सो इट डजंट मैटर कि
आप या आपके साथ जो लोग हैं या आपके साथ जो ट्रस्ट है, मतलब आप ट्रस्ट के थ्रू भी उस कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हो और इंडिविजुअली आप भी अब उस कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हो। अब ये आप, आपके साथ जो व्यक्ति है वो और ट्रस्ट, वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, वो भी मैटर नहीं करता। एक बार फिर से हम पहली चार लाइन को देखेंगे। एक तो आप अकेले या आपके साथ कोई और, आइदर एक या उससे ज्यादा, या फिर ट्रस्ट और इंक्लूडिंग ट्रस्ट या पर्सन्स, इवन दोज विच आर आउटसाइड इंडिया, होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कैन यू सी दिस? होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन ये रही, हमने अब भी देखी। सो आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा है नॉट लेस देन 25/10%। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अर्लियर इट वाज 25, नाउ इट इज 10। इसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले या किसी और के साथ, वो दूसरा एक या उससे ज्यादा, और ट्रस्ट इंक्लूडिंग पर्संस एंड ट्रस्ट विच आर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर किसी कंपनी में आपका 10% या उससे ज्यादा का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, तो आपको कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बेन1 फॉर्म में, बताना पड़ेगा कि आपका क्या इंटरेस्ट है। मैं ये स्लाइड पर और 2 मिनट टाइम पास करूंगा, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। अगर आप अकेले या किसी और के साथ, वो जो किसी और है वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, आउटसाइड इंडिया में हो सकता है, किसी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा परसेंट का बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर होल्ड कर रहे हो, या फिर आपके पास अधिकार है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, देन यू हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म बेन1। बेन1 करके एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको डिक्लेयर करना है किसको, कंपनी को, कौन सी कंपनी में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और आपको बताना है योर नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? सच्ची में क्या? तो 2 मिनट मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं, चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे। सेक्शन 90 सबसेक्शन 1, अरे यार, सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, फिर से एक बार चार्ट के माध्यम से देखेंगे। एवरी इंडिविजुअल अकेला या दूसरों के साथ, वो दूसरे एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, या ट्रस्ट के साथ, इंक्लूडिंग ऐसी ट्रस्ट या पर्सन जो आउटसाइड इंडिया है, होल्ड्स अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ मिनिमम 10% इन द शेयर्स और एक्सरसाइजेस कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी, देन ही शैल मेक अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी स्पेसिफाइंग व्हाट इज द इंटरेस्ट विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। एक मिनट, विद इन सच पीरियड क्या है बाबा? विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, मैं बता दूं आपको गाइज, 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर आपको कंपनी को बताना। कितने दिन के अंदर बताना है? 30 डेज के अंदर आपको कंपनी को बताना है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? 30 डेज के अंदर आपको कंपनी को बताना है। तो अब एक मिनट, उसके आगे पढ़ने से पहले मैं ये वाला आपको क्लियर कर दूं। नाउ देयर वाज वन मोर अमेंडमेंट दैट हैड कम 8 फरवरी 2019, विच फॉर द फर्स्ट टाइम गेव द डेफिनेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ओके, जिसने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन बताई, तो डेफिनेशन देखिए अब कैसे बराबर से उन्होंने बताई। अब SBO मीन्स एन इंडिविजुअल, और अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब है अ नेचुरल पर्सन, राइट, हु एक्टिंग अलोन, और टुगेदर विथ वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट
एंड हैव अ राइट्स और एंटाइटलमेंट इन सच रिपोर्टिंग कंपनी। तो आप बोलेंगे सर वो तो पीछे जो पड़ा वही, यहां तो वही है ना भाई, लेकिन थोड़ा देखो क्या बोल रहा है। वो कहता है होल्ड्स इनडायरेक्टली, एक मिनट, होल्ड्स इनडायरेक्टली और विथ एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स ऑफ हाउ मच, कितना, 10% ऑफ शेयर्स, क्लियर है एवरीबडी। या तो फिर रूल कहता है फिर से एक बार, होल्ड्स इनडायरेक्टली और एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स अगेन 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो एक थोड़ी सी चीज आपको समझ में आएगी। इफ यू सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव समथिंग इन द रिपोर्टिंग कंपनी इनडायरेक्टली। गाइज अगर सिर्फ डायरेक्ट होल्डिंग है ना तो आप एसबीओ के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, आप भी समझ गए होंगे कॉमन सेंस। अगर मैं डायरेक्ट होल्ड करता हूं तो काय का मैं कोई छुपा रहा हूं, मैं क्या छुपा रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट ही होल्ड करता हूं, अगर शेयर्स मेरे ही नाम पर हैं, इफ आई एम ओनली द रजिस्टर्ड होल्डर देन आई डिड नॉट बी एसबीओ और इन फैक्ट नॉट एन एसबीओ, मेरे को सेक्शन 90 एप्लीकेबल ही नहीं होता। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला। तो होल्डिंग इनडायरेक्टली होना जरूरी है। आप जब कभी होल्ड इनडायरेक्टली कर रहे हो तभी तो ढूंढने की जरूरत पड़ रही है कि भैया कौन है इसके पीछे छुपा हुआ, अरे बाप रे ये कंपनी के पीछे कोई और है। सो व्हाट इज कंपल्शन इज यू आर होल्डिंग इनडायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली के साथ अगर आपकी कोई डायरेक्ट होल्डिंग्स भी है तो उसे कंसिडर किया जाएगा टू कंप्लाई और टू चेक कि आपके पास 10 या 10 से ज्यादा परसेंट है कि नहीं। क्या बोला समझ में आया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज हैविंग इनडायरेक्ट होल्डिंग, डायरेक्ट होल्डिंग रहा नहीं रहा डजंट मेक सेंस, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज इनडायरेक्ट होल्डिंग रहना जरूरी है। डायरेक्ट होल्डिंग रहा तो वो इनडायरेक्ट के साथ कंसिडर किया जाएगा टू चेक 10% और मोर देन 10%। एंड फर्स्ट पॉइंट में इट इज 10% ऑफ शेयर्स एंड द नेक्स्ट इज 10% ऑफ वोटिंग राइट्स इन शेयर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। शेयर्स में फिर वो हम कन्वर्टेबल वाला पार्ट भी ले लेंगे, वोटिंग राइट्स में वो नहीं आता, ठीक है। तो 10% ऑफ शेयर्स और 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। नाउ और ध्यान से देखना, अगेन हैज अ राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट अगेन नॉट लेस देन 10% ऑफ डिविडेंड, ध्यान से देखो, थ्रू इनडायरेक्ट होल्डिंग अलोन और टुगेदर विथ डायरेक्ट होल्डिंग। अगेन देयर स्टेटिंग कि बॉस इनडायरेक्टली होना चाहिए। तो पहला क्या था, 10% ऑफ शेयर्स, सेकंड क्या था, 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, थर्ड क्या है, have a right to participate in dividend to the extent of 10%, right? And fourth is, has a right to exercise or actually exercising influence or control, again, other than direct holding. I will again do it. Other than direct holding. Clear hai? इसीलिए अगर आप मेरे ये वाले पॉइंट को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है ये वाला पॉइंट, ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है। इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट होल्ड एनी राइट इनडायरेक्टली इन क्लॉज 1, 2, or 3, ही शल नॉट बी कंसिडर्ड एन एसबीओ। ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपको एसबीओ रूल्स 2019 समझ में आ रहा है एवरीबडी। So, याद रखना है कि एसबीओ की जो डेफिनेशन है जो 2019 रूल्स में बताई गई है, हम फिर से उस डेफिनेशन को देखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो एक इंडिविजुअल है, देखिए हम एक बार मैं चाहिए ना तो इससे ये कर देता हूं, ये देखो यहां पे इंडिविजुअल को मैंने सर्कल किया हुआ है। एनी पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल मतलब एक नेचुरल पर्सन है जो अकेला या दूसरों के साथ, दूसरे एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं और वो सिर्फ पर्सन नहीं ट्रस्ट भी हो सकता है, और वो किसी कंपनी में इनडायरेक्टली और विद डायरेक्ट 10 या 10 से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, इनडायरेक्टली और विद डायरेक्ट 10 या 10 से ज्यादा वोटिंग राइट्स रखता है, या तो फिर उसके पास राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट 10% ऑफ डिविडेंड है, अगेन इनडायरेक्ट
or together with direct, या तो he can exercise influence or control, again other than through direct holding alone. क्लियर है नीचे का पॉइंट, कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल इनडायरेक्टली होल्ड नहीं करता ऊपर दिए हुए 1, 2 या 3 में, तो वो एसबीओ में नहीं आएगा, उसे एसबीओ में कंसिडर नहीं किया जाएगा. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब जब हम बार बार एक्टिंग टुगेदर बोल रहे हैं कि वन और मोर पर्सन एक्टिंग टुगेदर, तो जरा मैंने यहां पर इंटेंशनली डीप में जाकर यह भी देखने की कोशिश करी कि क्या बोलना चाह रहा है वो. एक्टिंग टुगेदर मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेइंग एक्टिंग टुगेदर. कैन यू सी दिस? तो लेट अस रीड क्या बोल रहा है वो. एक्टिंग टुगेदर मतलब क्या? तो इट सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इफ एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, ये देखो एस यहां पे लगाया उसने, एक्टिंग थ्रू एनी पर्सन और ट्रस्ट जिसमें आपका कॉमन पर्पस है. पर्पस क्या है? टू एक्सरसाइज द राइट्स, controls and influence over that reporting entity through an agreement or understanding, formal या informal. तो ऐसे व्यक्ति, व्यक्तिज मतलब ऐसा आ गया उसमें, and any such person or trust shall be treated as all acting together. बताइए अगर आप इसको पॉज करके खुद भी एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. वो बोलना चाह रहा है कि एक व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति, वो पर्सन या ट्रस्ट हो और सबका कॉमन एक पर्पस है. वो कॉमन पर्पस क्या है? वो कॉमन पर्पस है कि जो भी राइट्स है, कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी पर, हम एक तरह से उसे, एक ही हमारा पर्पस है और हम एक तो आइदर थ्रू एन एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग, इट मे बी फॉर्मल इनफॉर्मल, वी हैव द सेम पर्पस एंड देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिंग टुगेदर. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी आई होप दैट इज क्लियर. सो नाउ हम कब से दो शब्द बोल रहे हैं कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, राइट? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. तो डायरेक्टली का मतलब क्या? हम कह रहे हैं इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली अगर होगा तो मतलब क्या? तो कॉमन सेंस फर्स्ट, शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल ओनली, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट होल्ड कर रहा है. आई बात समझ में आपको? जो शेयर्स है वो तो डायरेक्टली उसी के नाम पर है, तो हम क्या बोलेंगे? एक इंडिविजुअल है जो डायरेक्टली रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर्स हेल्ड कर रहा है, या तो फिर वो अपने नाम पर शेयर्स होल्ड नहीं कर रहा. यस, उसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, लेकिन एज पर सेक्शन 89(2), अगर आपको सेक्शन 89 याद है तो सेक्शन 89(2) में उसने पहले ही कंपनी को डिक्लेयर कर दिया है कि मैं रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूं, मेरे पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है. तो भी हम बोल देंगे कि फिर अब तो आप डायरेक्टली होल्ड कर रहे हो. आपकी बात समझ में, आपको समझ में आ रहा है? उसने डायरेक्टली कैसे कर दिया? देखिए फिर से एक बार, दो कंडीशन है. एक तो शेयर्स उसी के नाम पर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिविजुअल इज एक्सरसाइजिंग इज राइट डायरेक्टली इन द रिपोर्टिंग एंटिटी, बराबर है, क्योंकि शेयर्स ही उसी के नाम पर. या तो फिर शेयर्स उसके नाम पे नहीं है, मैं बोलता हूं शेयर किसी और के नाम पे, उसके पास सिर्फ बेनिफिशियल इंटरेस्ट है. तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट था और ही वॉज नॉट अ रजिस्टर्ड होल्डर, तो ही हैज ऑलरेडी मेड अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 2. उसने डिक्लेयर कर दिया है कंपनी को, और जब डिक्लेयर कर दिया और कंपनी को पता है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इफ ही इज अगेन एक्सरसाइजिंग डायरेक्टली इन द रिपोर्टिंग कंपनी. क्या क्लियर है आपको? तो डायरेक्टली हम कब बोलेंगे? एक तो शेयर उसके नाम पर है, या तो शेयर उसके नाम पर नहीं है लेकिन उसने सेक्शन 89 के अंदर कंपनी को बता दिया है कि रजिस्टर्ड ओनर कौन है और मैं तो सिर्फ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं. क्लियर है? पक्का? नाउ इनडायरेक्टली कब बोलेंगे हम कि इनडायरेक्टली है? तो इनडायरेक्टली हम तब बोलते हैं जब रिपोर्टिंग कंपनी में एक बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड कर रहा है और उस बॉडी कॉर्पोरेट में अदर देन एलएलपी एक इंडिविजुअल है हु होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक इन दैट और होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक इन द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझा नहीं. डोंट वरी, आई एम हियर नाउ. अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज, एवरीबॉडी फोकस. नाउ लेट अस से दिस इज
अ रिपोर्टिंग कंपनी, ठीक है, जिसको ये रिपोर्ट वगैरह करना है, इज अ रिपोर्टिंग कंपनी, ठीक है। नाउ देयर इज वन पर्सन मिस्टर ए एंड देयर इज अनदर पर्सन मिस्टर बी। ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करके बता रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, मिस्टर ए और मिस्टर बी उस कंपनी में कैन आई से डायरेक्टली शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, यस और नो? अरे यस और नो गाइस, नो एसबीओ एप्लीकेबल। वो छुपा ही नहीं रहे ना, वो छुपा ही नहीं रहा तो तुम उससे सेक्शन 90 कैसे लगाओ? सो नो एसबीओ रूल्स एप्लीकेबल बिकॉज बोथ द शेयर होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स एंड दे बोथ आर होल्डिंग डायरेक्टली इनटू द कंपनी, देयर इज नो इनडायरेक्ट होल्डिंग। I hope you are clear with this, everybody. Now, what is the अभी जो हमने पढ़ा वो क्या बोलना चाह रहा था, थोड़ा ध्यान से देखिए, what is that part trying to tell you? So, let us take example two. Now, यहां पर एक reporting company है, ठीक है, यहां पर एक reporting company है एंड यहां पर देर आर थ्री शेयर होल्डर्स, ठीक है, ऑल आर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स नेचुरल पर्सन, और ये तीनों का मिला के 80% स्टेक है भैया इसके अंदर, ठीक है, और जो बचा हुआ 20% है वो एक कंपनी का है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पर हो सकता है ना कि रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर एक कंपनी होल्ड कर रही है कितना 20%, और इस कंपनी के अंदर देर आर टू पीपल, एक और दो, दोनों के पास 50% स्टेक है, इसके पास भी 50 है और इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है और इसके पास भी 50 है। अब मैं स्टेटमेंट देखिए इंग्लिश में बोल रहा हूं, आपको समझ रहा है कि यहां पर ये भी इसके अंदर 50% होल्ड करके बैठा है बॉडी कॉर्पोरेट में, और ये भी है जो 50% होल्ड करके बैठा है, और फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट इसमें होल्ड कर रही है, क्या ये दोनों में से किसी का मेजॉरिटी स्टेक है क्या? नहीं गाइज, मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो एसबीओ एप्लीकेबल। अब समझा आपको नो एसबीओ एप्लीकेबल, क्लियर है? क्यों एसबीओ एप्लीकेबल नहीं है, क्यों एसबीओ एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज यहां पर देखिए क्या बोल रहा है वो, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अभी था अपना बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी थी जिसके पास 20% स्टेक था, लेकिन क्या किसी इंडिविजुअल के पास मेजॉरिटी स्टेक था क्या? नहीं। हाँ तो फिर बात खत्म हो गई, मेजॉरिटी स्टेक अगर होता तो हम मल्टीप्लाई कर देखते और फिर जवाब देते कि क्या एसबीओ एप्लीकेबल है या नहीं। आई अब बात समझ में? ये तो अगर मैं आपको फिर से एक बार करके बताऊं, एक बार फिर से पूरा समझना है हमें। लेट अस से फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिपोर्टिंग कंपनी और इस कंपनी में 80% का स्टेक है यहां पर तीन लोगों का, ठीक है, तीन लोगों का स्टेक है, और इसमें एक एबीसी बोलकर कंपनी है जिसका 20% का स्टेक है। अब इस कंपनी के अंदर देर आर टू पीपल, ए एंड बी, और ए का है 60% और इसका है 40%। अब पहली बात मेरे को बताइए, फ्रॉम ए एंड बी हु इज द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन अ बॉडी कॉर्पोरेट? यस यू आर राइट, ए। तो अब हम ढूंढ सकते हैं इसमें कि एसबीओ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। जरा ध्यान से देखिए, ए का इसके अंदर कितना है 60, और फिर एबीसी का इसके अंदर कितना है 20, तो 60 का 20% आता है 12%। क्या ये 10% से ज्यादा है? हाँ गाइज, ए एक एसबीओ है, उसको 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा।
अगर आप बी का देखेंगे तो 40% इनटू 20 कितना होता है, 8% होता है। क्या वो 10 या 10 से आगे है? नहीं, बी इज नॉट एन एसबीओ, बी इज नॉट एन एसबीओ। तो यहां पर एसबीओ कौन बना? सिर्फ ए। क्यों ए बना? बिकॉज रूल कहता है अगर कोई रिपोर्टिंग कंपनी का मेंबर एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब अपन यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखिए एवरीबडी, अगर कोई रिपोर्टिंग कंपनी, ये देखिए यहां पर, कोई का मेंबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और उस बॉडी कॉर्पोरेट में अगर कोई इंडिविजुअल मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर रहा है तो ही हम चेक करेंगे कि वो व्यक्ति को एसबीओ एप्लीकेबल है या नहीं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट, जैसे एक अभी कंपनी का बॉडी कॉर्पोरेटिव, वैसा एक एचयूएफ भी हो सकता है और उसका इंडिविजुअल इज द कर्ता ऑफ दैट एचयूएफ। श्योर अबाउट दिस? पक्का? पक्का? नाउ वेट, नाउ एक मिनट, सो इन दैट सेम फैशन नाउ इफ यू सी, इफ अगेन इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, इफ इट्स अ पार्टनरशिप फर्म और उस पार्टनरशिप फर्म में एक तो इंडिविजुअल है हु इज अ पार्टनर और अगेन यू होल्ड अ मेजॉरिटी स्टेक इन द बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ पार्टनर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म और होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक इन द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी विच इज अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो इफ यू वॉन्ट आई कैन अगेन एक्सप्लेन, मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट इफ दिस इज अ रिपोर्टिंग कंपनी, ठीक है, और इस रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म है जो स्टेक होल्ड करती है और उस पार्टनरशिप फर्म में एक ए है, एक बी है और एक एबीसी लिमिटेड एक पार्टनर है, जैसे हम कहते हैं एओपी। तो इस एबीसी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मेजॉरिटी स्टेक है, लेट अस से फॉर एग्जांपल 58%, तो फिर कैलकुलेट करके देखा जाएगा कि 58% इसके अंदर है, इसका पार्टनरशिप में कितना है और देन उसका रिपोर्टिंग कंपनी में कितना है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो इन दैट सेम फैशन दे आर सेइंग दिस एंड दे से इफ इट्स आइदर अ ट्रस्ट, और ट्रस्ट में क्या होगा, इट सेज द इंडिविजुअल इन केस ऑफ इट विल बी अ ट्रस्टी, अगर वो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, बेनिफिशियरी रहेगा अगर वो एक स्पेसिफिक ट्रस्ट है, और अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा देयर इज वन मोर सी बिट विच सेज इट विल बी द ऑथर विच विल बी इन केस ऑफ अ रिवोकेबल ट्रस्ट। अभी मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है कि नहीं कितने ट्रस्ट होते हैं, तो मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूं। सी देयर कैन बी अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, ओके, और देयर कैन बी अ स्पेसिफिक ट्रस्ट और देयर कैन बी अ रिवोकेबल ट्रस्ट। तो तीनों देख लीजिए। अभी डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का मतलब होता है जो भी स्टेक है ट्रस्ट में किसका, बेनिफिशियरी का, बेनिफिशियरी को जो मिलने वाला है वो फिक्स नहीं होता, वो ट्रस्टी के हाथ में अभी भी। तो जब ट्रस्ट से बेनिफिशियरी को कितना परसेंट मिलेगा वो जब फिक्स ना हो तो उसे डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर ये फिक्स हो कि बेनिफिशियरी को इस पर्टिकुलर ट्रस्ट में कितना मिलेगा, ये अगर फिक्स हो तो हम बोलेंगे कि इट्स अ स्पेसिफिक ट्रस्ट। क्लियर है? रिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब होता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि देयर इज अ पर्सन एंड जो ट्रस्ट में अपनी प्रॉपर्टी देता है उसे कहते हैं ऑथर या सेटलर। If you cannot see the spelling, I'll do one more point. एक बार फिर से, author देखिए क्या कहता है, author और
सेटलर। तो ये ऑथर या सेटलर वो होता है जो ट्रस्ट में अपनी प्रॉपर्टी देता है, जिसको देता है वो होता है ट्रस्टी, और वो जिसके फायदे के लिए होता है वो होता है बेनिफिशियरी। तो देयर आर थ्री पीपल, ऑथर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो अगर समझो वो ट्रस्ट ऐसा है कि अगर कल जाकर ऑथर जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी है ट्रस्ट में, उसको अगर वो रिवोक करना है तो वो रिवोक भी कर सकता है, ट्रस्ट को खत्म भी कर सकता है। तो फिर हम उसको बोलेंगे रिवोकेबल ट्रस्ट। क्लियर हो गया तीनों ट्रस्ट। तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का मतलब होता है बेनिफिशियरी का इसमें स्टेक फिक्स नहीं है, स्पेसिफिक ट्रस्ट का मतलब होता है बेनिफिशियरी का इसमें स्टेक फिक्स है, और रिवोकेबल ट्रस्ट मतलब ऐसी ट्रस्ट जिसमें जो प्रॉपर्टी दी गई है वो कभी भी जो है द कंसर्न पर्सन कैन रिवोक इट। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इफ इट्स अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट देन द ट्रस्टी विल बी कंसिडर्ड, इफ इट्स अ स्पेसिफिक ट्रस्ट देन अ बेनिफिशियरी विल बी कंसिडर्ड, और आपके स्क्रीन पर शायद नहीं दिख रहा होगा, सी बिट नीचे आएगा, इफ इट्स अ रिवोकेबल ट्रस्ट देन इट इज द ऑथर और द सेटलर हु विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग इनडायरेक्टली। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? सो इफ यू सी, यहां तक हमने जितना भी पूरा किया, मैं अभी एक बार फिर से पूरा स्टार्ट से आपको एक बार बताना चाहूंगा, बिकॉज द सेक्शन इज वेरी बिग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टडी इट प्रॉपरली। सो हमने पहले बात करी कि बेसिक सा सेक्शन 89, तो अच्छा मैं आपको और एक डिफरेंस बताता हूँ कि सेक्शन 89 और सेक्शन 90 में अब क्या डिफरेंस है। तो गाइज और एक डिफरेंस देख लीजिए, मैंने आपको पहले एक डिफरेंस बता दिया अबाउट इंटेंशन, सो लेट अस सी वन मोर डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज इन सेक्शन 89 एंड 90। सेक्शन 89 में तो रिपोर्ट करना है कि आप नेचुरल पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल हो या फिर आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो मतलब एक कंपनी हो, ये नहीं देखता सेक्शन 89 कि आप नेचुरल पर्सन हो कि आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो ये देखता है कि क्या बेनिफिशियल इंटरेस्ट और रजिस्टर्ड ओनर अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आपको 89 में रिपोर्ट करना है, सेक्शन 90 में तो सिर्फ और सिर्फ कब करना है, जब आप एक इंडिविजुअल है और आप SBO के डेफिनेशन में आते हो। क्लियर है एवरीबडी? और एक डिफरेंस बता दूं आपको, और एक डिफरेंस बता देता हूं सेक्शन 89 और 90 में, और सेक्शन 89 और 90 में एक और एक डिफरेंस क्या है, सेक्शन 89 और 90 में, सेक्शन 89 में कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, 1% भी रहा तो आपको बताना है, 2% भी रहा तो बताना है, 25% रहा तो बताना है, लेकिन सेक्शन 19 में तो इट इज 10% और मोर। अगर 10% या मोर रहा तभी आप पर सेक्शन 90 लागू हो जाएगा। तो बताइए मैंने आपको 89 और 90 कितनी सारी चीजें बता दी। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो हमने देखा था कि MGT4, MGT5 और MGT6, दीज आर थ्री पार्ट्स जो पहले सेक्शन 89 में इंसान रिपोर्ट करता था, वहां पर इंटेंशन का नहीं देखा था, और सेक्शन 89 सबसेक्शन 10 एक अलग से सेक्शन लगाया जहां पर वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन देता था। उसके बाद हमने सेक्शन 90 में पहले समझा कि एक ऐसा नेचुरल पर्सन जो अकेला या दूसरों के साथ, और वो जो दूसरे हैं वो एक या उससे ज्यादा हो सकते हैं, एंड दे ऑल इंक्लूडिंग ट्रस्ट होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ एटलीस्ट 10% इन द शेयर्स या कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, देन दे हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म BEN-1 True about their nature of interest to the company। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा था, और यहां पर जैसे आपने देखा लिखा था कि prescribed period बताना मतलब 30 days के अंदर बताना है। अब ये जो आपने देखा था section 91, अब यहां पर देखिए section 92 क्या कहता है। section 92 कहता है हर कंपनी को एक register maintain करना है, ये जो भी interest declare करेंगे, ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये जो भी इंटरेस्ट डिक्लेयर करेंगे ना उसका आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, और वो रजिस्टर मेंटेन करने का जो फॉर्म है वो है BEN-3। अब ये बात आपको समझ लेना है कि जब कोई व्यक्ति अपना, जो व्यक्ति SBO होगा वो जब अपना इंटरेस्ट कंपनी को बताएगा तो वो होगा फॉर्म BEN-1, और जब कंपनी उस वो सब जितना भी इंटरेस्ट उसको बताएंगे वो जो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा वो होगा BEN-3। क्लियर है? आप बोलोगे सर BEN-2 क्या है, BEN-2 भी हम देखेंगे, मैं आपको चाहिए तो अभी बता दूं, जब कभी भी आप मतलब SBO कंपनी को अपना इंटरेस्ट बताओगे वो बताओगे BEN-1 में, कंपनी आपके बताए हुए इंटरेस्ट को ROC में बताएगी 30 डेज के अंदर BEN-2 में।
चलिए बता दिया मैंने आपको बैंड टू बी क्या है, तो एक बार अगर मैं फटाफट से आपको लर्न करना हो तो आप क्या बोलोगे? अगर किसी एसबीओ को अपना इंटरेस्ट बताना है कंपनी को तो कौन सा फॉर्म? बैंड वन। कंपनी फिर वो इंटरेस्ट को किस आरओसी को बताएगी कौन से फॉर्म में? बैंड टू में। कंपनी भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी अपने पास, जो तो भी इंटरेस्ट सबने बताया वो कौन सा होगा? बैंड थ्री। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी को ये सेक्शन लागू नहीं है। लो बोलो, अब आप तो समझ ही गए होंगे। यस, इस सेक्शन की इंटेंशन कितनी थी, आप पहली 15 मिनट अगर आप मेरी याद कर लें सेक्शन की, इस सेक्शन की इंटेंशन कितनी खतरनाक थी, लेकिन इन्होंने कह दिया कि ये कंपनी, ये जो सेक्शन है ये गवर्नमेंट कंपनी को लागू नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 137 और 92 को कंप्लाई करती है तो ही, वरना ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी को भी लागू हो जाएगा। यस, सेक्शन 137 अगर आपको याद है, सेक्शन 137 कहता था फाइलिंग ऑफ योर अकाउंट्स विद द आरओसी, एंड सेक्शन 92 इज एनुअल रिटर्न। तो अगर ये दोनों सेक्शंस का कंप्लाई हुआ है तो ही गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन से बच जाएगी, वरना गवर्नमेंट कंपनी को भी ये सेक्शन लागू हो जाएगा। याद रखना है, गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली इफ दे कंप्लाई विद सेक्शन 137 एंड 92। श्योर अबाउट दिस? पक्का। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की हमने डेफिनेशन देखी, मैं फिर से एक बार बोल दूं, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक नेचुरल पर्सन, हमें देखना है कि पर्दे के पीछे कौन है जो छुपकर ये सब कंपनी चला रहा है, अकेला है या दूसरों के साथ, वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ट्रस्ट भी हो सकते हैं। एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा डायरेक्ट अगर है तो कोई मतलब ही नहीं है, एसबीओ लागू ही नहीं है, वो खुद ही बता रहा है, इनडायरेक्ट होना जरूरी है। हाँ, 10% की क्राइटेरिया के लिए हम इनडायरेक्ट के साथ डायरेक्ट भी जोड़ लेंगे, आइदर वो शेयर हो सकता है, वोटिंग राइट्स हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, या इन्फ्लुएंस या कंट्रोल हो सकता है। रूल कहता है अगर इनडायरेक्ट होल्डिंग ना हो तो फिर एसबीओ रूल आप पर लागू नहीं होंगे। यहां पर हमने एक्टिंग टुगेदर की भी डेफिनेशन देखी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर्सन या ट्रस्ट के साथ राइट्स कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अब वो एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल हो, लेकिन सबका पर्पस अगर एक हो तो हम बोलेंगे कि दे आर एक्टिंग टुगेदर। डायरेक्टली होल्डिंग का मतलब है उसके ही नाम पर शेयर्स हैं, या तो उसके नाम पे शेयर्स नहीं है लेकिन उसने सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 में पहले से ही अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट बता दिया है तो हम बोलेंगे कि इट्स अ डायरेक्ट होल्डिंग। लेकिन इनडायरेक्ट होल्डिंग का मतलब है कि आप डायरेक्टली होल्ड नहीं करते, बट फर्स्ट पॉइंट कहता है आप बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू होल्ड करते हो, और अब जब बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू होल्ड करते हो तो रूल कहता है ऐसे ही व्यक्ति का देखा जाएगा जिसका मेजोरिटी स्टेक हो। सेकंड कहता है अगर आप नहीं डायरेक्टली होल्ड करते बट एचयूएफ के थ्रू होल्ड करते हो और फिर इंडिविजुअल उस एचयूएफ का करता है। थर्ड कहता है कि आप डायरेक्टली होल्ड नहीं करते लेकिन पार्टनरशिप फर्म के थ्रू होल्ड करते हो, और उस पार्टनरशिप में एक तो आप पार्टनर हैं या उस पार्टनरशिप में एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके अंदर आपका मेजोरिटी स्टेक है, और फोर्थ होता है ट्रस्ट, जिसमें डिपेंड करता है कौन सी ट्रस्ट है, अगर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो वो इंडिविजुअल होगा ट्रस्टी, वो अगर स्पेसिफिक ट्रस्ट है तो वो इंडिविजुअल होगा बेनिफिशियरी, और अगर वो रिवोकेबल ट्रस्ट है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं जो शायद आपकी स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, जो रिवोकेबल ट्रस्ट है उसके अंदर जो हम पर्सन हम कंसिडर करेंगे वो होगा ऑथर और सेटलर। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का। तो हमने सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 अभी तक दो ही सबसेक्शन देखे हैं। अब सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 और 2 में आपने देखा और समझा कि बैंड 1 में आपको कंपनी को बताना है और कंपनी अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जो होगा बैंड 3, उसमें सब इंटरेस्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा। नाउ ध्यान से देखिए, यहां पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 कहता है कि ये रजिस्टर जो है वो सबके लिए ओपन रहेगा फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर एवरी वर्किंग डेज। जो भी मेंबर को ये रजिस्टर देखना हो वो ₹50 मैक्स चार्ज कर सकती है कंपनी इंस्पेक्शन के लिए, उससे ज्यादा नहीं चार्ज करेगी और आप देख सकते हैं। मतलब यार आपको कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी को चेक करना हो कि कौन कौन है एसबीओ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी पर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, जो हो सकता है वो रजिस्टर होल्डर ना हो लेकिन उनके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो रूल कहता है आप देख सकते हो एवरी वर्किंग डे 2 घंटे के लिए मिनिमम ये रजिस्टर ओपन रहेगा, कंपनी मैक्स आपसे ₹50 चार्ज कर सकती है, वो नहीं भी कर सकती फॉर एवरी इंस्पेक्शन। क्लियर है? नाउ सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 कहता है जब भी आप ऐसे डिक्लेरेशन कंपनी को दोगे
मैंने आपको अभी बताया, पीछे 5 मिनट पहले बताया, द रिपोर्टिंग कंपनी विल फाइल अ रिटर्न इन बेन टू विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच डिक्लेरेशन। मतलब अगर आप मेरे को लर्न करना है तो मैं फटाक से क्या बोलूंगा, बेन वन इज अ फॉर्म जिसमें एक SBO कंपनी को अपना इंटरेस्ट बताता है, बेन टू इज अ फॉर्म जिसमें कंपनी वहां से 30 डेज के अंदर ROC को बताता है, और बेन थ्री एक फॉर्म है या एक रजिस्टर है जो कंपनी अपने पास मेंटेन करती है जिसमें हर एक इंटरेस्ट जो SBO ने बताया वो सब नोटेड होता है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नाउ सेक्शन 94A क्या कहता है, हर कंपनी विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू आइडेंटिफाई कौन कौन इंडिविजुअल है जो एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। कौन कौन है ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि एक आप कंपनी को लगता है कि ये SBO हो सकता है, कंपनी को पूरी प्रयत्न करनी है, सब एक्शंस लेने हैं, सब स्टेप्स लेने हैं ये ढूंढने के लिए। तो अब सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 कहता है कंपनी कैन गिव नोटिस टू एनी पर्सन, फिर वो मेंबर हो या ना हो, होम द कंपनी नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव। अब थोड़ा समझिए, बहुत मस्त है। सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 कहता है कंपनी के पास एक पावर है। अभी क्या पावर है? वो कोई भी पर्सन को, वो मेंबर हो या ना हो, उसको एक नोटिस दे सकता है। क्या नोटिस देगा? इस कंपनी को ऐसा लग रहा है, शायद ध्यान से देखना, मैं एक अंडरलाइन कर रहा हूं, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति SBO है। ध्यान से देखिए, वो कंपनी को लग रहा है कि वो SBO है पर शायद वो बता नहीं रहा, तो कंपनी उसको नोटिस भेजेगी और बोलेगी कि चल भाई तू बता तेरा क्या है, उसको लग रहा है कि वो SBO है। बी, ऐसा लग रहा है कि वो SBO नहीं है, थोड़ा देखो बहुत मस्त है, ऐसा लग रहा है, बी बॉट क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो SBO नहीं है बट उस व्यक्ति को पता है कि SBO कौन है। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए में कंपनी ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेज रहा है जहां पर कंपनी को लग रहा है कि यही SBO है, राइट? बी में कंपनी ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेज रहा है जो कंपनी को मालूम है कि SBO नहीं है बट कंपनी को लग रहा है कि इसको पता है कि SBO कौन है, तो पहले इसको नोटिस भेजो और इसको बोलो कि चल बता SBO कौन है। आई होप दैट इज क्लियर। और थर्ड, ऐसे व्यक्ति को भी कंपनी नोटिस भेज सकती है जहां पर कंपनी को लगता है कि ये SBO आज से 3 साल पहले, बीच में कहीं ना कहीं तो था लेकिन आज वो कंपनी में एज अ रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। मतलब हो सकता है कि आज वो SBO ना हो बट ये जब आया से, यहां पर ये जो रूल आया है, यहां से पिछले 3 साल में वो कभी ना कभी तो SBO रहा होगा। आई बात समझ में? अब आपको एक सस्पेंस बोल दूं, एक चीज बोल दूं, कंपनी जो ये नोटिस भेजती है ये भेजती है बेन 4 फॉर्म में। यस, अब समझा आपको, कंपनी ये नोटिस कौन से फॉर्म में भेजती है? बेन 4। आप बोलेंगे सर कितने बेन है? बस 4 ही बेन है भाई। तो कंपनी को अगर कभी लगता है कि यार ये बता नहीं रहा लेकिन ये SBO हो सकता है तो कंपनी आपको नोटिस भेजेगी बेन 4 में। चलो अब लर्न हो गया होगा आपको, आप अगर सच में SBO निकले तो फिर आपको तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, आप कौन से फॉर्म में करेंगे? यस, बेन 1। कंपनी फिर ROC को कौन से फॉर्म में बताएगी? बेन 2। और कंपनी अपना रजिस्टर जो मेंटेन करेगी वो कौन से फॉर्म में रहेगा? बेन 3। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब समझ लीजिए कि आपको नोटिस मिल गई, ठीक है, आपको नोटिस मिल गई तो आपको कब कितने समय में रिप्लाई करना है? तो रूल कहता है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 6 कहता है, द इन्फो दैट इज रिक्वायर्ड इन द नोटिस यू हैव टू रिप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। आपको जैसे ही नोटिस मिलेगी आपको 30 डेज के अंदर सामने रिपोर्टिंग कंपनी को रिप्लाई करना है। Sure about this. अब 2 मिनट हम रूल्स में देख ले थोड़ा, रूल्स क्या कहता था। तो मैं थोड़ा रूल्स में गया हूं, फिर से सेक्शंस को हटकर हम रूल्स में जा रहे हैं। और रूल्स में क्या लिखा है? रूल में लिखा है, एवरी रिपोर्टिंग कंपनी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कौन है इंडिविजुअल जो SBO पर छुपा रहा है और उसे बोल सकता है कि फॉर्म बेन 1 में डिक्लेरेशन दे, तो ऐसे केस में रिपोर्टिंग कंपनी बेन 4 फॉर्म में हर एक मेंबर को, obviously other than individual, क्योंकि individual अगर है तो वो तो डायरेक्ट होल्डिंग हुआ ना, आप समझिए पॉइंट को। वो कह रहा है मैं हर एक ऐसे मेंबर को जो अदर देन इंडिविजुअल है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो तो डायरेक्ट होल्डर है,
समझा, होल्ड्स नॉट लेस देन 10%, होल्ड्स नॉट लेस देन 10%। अब मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को ये समझ रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम ऐसे ही लोगों को नोटिस भेजेंगे जो हमारे अंदर होल्डिंग नॉट लेस देन 10%। क्योंकि सोचिए अगर कोई लेस देन 10% कर रहा है और अगर उस कंपनी में किसी का 100% भी स्टेक रहा तो वो तो SBO बनेगा ही नहीं ना। आपको समझा क्या बोला मैं? यहां पर देखिए, आई एम देयर टू एक्सप्लेन यार, डरो मत। समझो ये रिपोर्टिंग कंपनी है, ठीक है, समझा गया। अब इसके अंदर एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी का समझ लीजिए 10% स्टेक है। अब यहां पर मिस्टर ए है, समझ लीजिए मिस्टर ए का ये कंपनी में 100% है। अब रिपोर्टिंग कंपनी ये कह रही है कि ऐसी कंपनी को बेन फोर में नोटिस देके क्या मतलब है? क्योंकि अगर इसका सच में 100% कोई ओनर भी निकला तो उसका मैक्स स्टेक कितना होगा? 9%। इनडायरेक्ट होल्डिंग भी इतनी होगी 9%, और क्या 9% में SBO आता है क्या? नहीं। समझा एवरीबडी? इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ऐसे ही कंपनीज मेंबर्स को भेजेंगे। पहले तो मेंबर्स कौन से अदर देन इंडिविजुअल, क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो तो आपको मालूम है, डायरेक्ट दिख रहा है। सो वो ऐसे ही मेंबर को भेजेंगे अदर देन इंडिविजुअल, वो भी वही जो होल्डिंग नॉट लेस देन 10%। हाँ, 10% होल्ड कर रहा है कोई कंपनी और उसमें एक इंडिविजुअल का 100% स्टेक है तो 100 × 10 10% हो जाएगा, तो वो SBO हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज होल्डिंग आइदर शेयर्स और वोटिंग राइट्स और राइट टू रिसीव डिविडेंड। ये हमने 3 पॉइंट्स पहले भी पीछे देखे थे, क्लियर है? तो SBO रूल्स में भी ये बताया गया है कि कंपनी के पास अधिकार है कि वो बेन फोर भेजकर ये ढूंढ सकता है कि कौन है SBO जिसको हमें डिक्लेरेशन इन बेन वन देना चाहिए। नाउ सेक्शन 90 सब सेक्शन 7 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे बताइए, पहले हमने वो पीछे क्या देखा सेक्शन 90 सब सेक्शन 6 में, कि अगर समझो बेन फोर में आपको नोटिस आई तो आपको 30 डेज के अंदर क्या देना है? बेन वन देना है, ठीक है। अब सेक्शन 90 सब सेक्शन 7 कहता है वेयर द पर्सन फेल्स टू गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय नोटिस, ठीक है, मतलब द पर्सन हैज फेल टू गिव द इंफॉर्मेशन बाय नोटिस, नहीं दिया सामने वाले को, अपन ने बेन फोर का नोटिस भेजा और उसने गिवन टाइम में हमें रिप्लाई ही नहीं किया, या तो रिप्लाई किया बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, हमें लगता है एड़ा बना रहा है सामने वाला, ठीक से कुछ जवाब नहीं दे रहा, घुमा रहा है, एक तो रिप्लाई ही नहीं दे रहा है या तो घुमा रहा है, तो अब कंपनी क्या करेगी गाइस? कंपनी के पास खतरनाक पावर है, कंपनी ट्राइब्यूनल के पास जाएगी विद इन 15 डेज, जब से आपको रिप्लाई है वहां से 15 दिन के अंदर अंदर, या तो फिर भैया कोई रिप्लाई ही नहीं किया तो सामने वाले को कब तक रिप्लाई करना था? 30 डेज के अंदर, राइट? 30 डेज खत्म हो गए, अब तो अभी भी रिप्लाई नहीं किया उसने, हाँ तो फिर वहां से 15 दिन के अंदर कंपनी ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकती, क्या अप्लाई करेगी? आप शॉक हो जाओगे सुनकर, दे कैन अप्लाई, और वो ट्राइब्यूनल को बोल सकती है कि ट्राइब्यूनल ये जो भी है इसके शेयर्स पर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस लाइए, ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लाइए और इस शेयर्स के रिलेटेड जो भी अधिकार हैं वो सब के सब आज से सस्पेंड करो। क्या आपको ये समझा? मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन इट मेक्स सेंस। क्या बोल रहा हूं आपको समझ रहा है? रूल कह रहा है कंपनी ने आपको बेन फोर का नोटिस भेजा क्योंकि कंपनी को लगता है कि एक तो आप SBO हो, या तो शायद आपको पता है कि SBO कौन है, या तो पिछले 3 साल में आप कभी ना कभी SBO थे। अब आपको जैसी नोटिस मिल गई आपको कितने दिन में रिप्लाई करना है? 90 डेज में। समझ लीजिए आपने रिप्लाई किया बट कंपनी को वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता, या तो फिर आपने रिप्लाई ही नहीं किया। अब जो भी है, रिप्लाई किया और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वहां से 15 दिन की गिनती शुरू हो जाएगी, रिप्लाई नहीं किया तो कंपनी तो वैसे भी 30 डेज रुकेगी और फिर वहां से 15 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगी। क्या अप्लाई करेगी? कि सर एक तो ये जवाब नहीं दे रहा, या तो इसका रिप्लाई जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और हमें यहां पर दिक्कत लग रही है, यहां पर शायद पर्दे के पीछे पर्दा कोई दूसरा ही व्यक्ति है, दिक्कत लग रहा है, तो ऐसे शेयर्स के प्रति सब अधिकार को आज से ही रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, रुका दीजिए। अब सेक्शन 90 सब सेक्शन 8 कहता है जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगा ट्राइब्यूनल सब पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीन हर्ड देगी, मतलब जिसके खिलाफ नोटिस गई है उसको भी और रिपोर्टिंग कंपनी को भी, दोनों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
और रूल कहता है अगर सही लगे तो इट विल रेस्ट्रिक्ट ऑल द राइट्स विद इन द पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द एप्लीकेशन. मतलब 60 days के अंदर अंदर जैसे ही कंपनी अपना एप्लीकेशन डालती है 60 days के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल अपना जवाब सुना देगी. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 क्या कहता है? द कंपनी और द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर. मतलब जिसके खिलाफ कंपनी ने ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया और फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर ट्राइब्यूनल ने आपके शेयर्स के रिलेटेड सब अधिकारों को रोक दिया, लेकिन अब आप गुस्से में आपको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है मेरे साथ, तो रूल कहता है ऐसी कंपनी या पर्सन जो भी हो जो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है कि मेरे शेयर्स पर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं प्लीज उसे हटाइए, और अप्लाई करने का जो लिमिट है इट इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर. तो जैसे ही जबी भी ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया हो वहां से 1 साल के अंदर अंदर कंपनी या एग्रीव पर्सन ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है कि मेरे रेस्ट्रिक्शंस जो मेरे शेयर्स पर लगाए हैं वो सब के सब हटा दिए जाए. अब थोड़ा सोचिए गाइस, आपकी चोरी पकड़ी गई, अब आप सामने भी नहीं आ सकते और ट्राइब्यूनल ने तो आपके शेयर्स के रिलेटेड सब रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए. रूल कहता है अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास नहीं आया 1 साल तक तो गाइस ट्राइब्यूनल ये सब शेयर्स IEPF में ट्रांसफर कर देगा. यस, आपको मालूम है IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और एक बार उसमें चले गए तो बाय बाय टाटा आप सब गवर्नमेंट का. तो रूल कहता है अगर ट्राइब्यूनल के पास 1 साल तक कोई आया नहीं कि ये रेस्ट्रिक्शंस हटाओ ये शेयर्स पर जो लगाया है तो फिर हम ये शेयर्स को क्या कर देंगे, IEPF में ट्रांसफर कर देंगे. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 सिर्फ इतना कहता है सीजी इसके रिलेटेड जो भी रूल्स बनाना चाहता है फ्यूचर में बना सकता है. मतलब ये ट्रांसफर करना IEPF में करना या किधर करना इसके रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो बना सकता है. तो अगर आप 2 मिनट ये पूरी प्रोसेस को समझें तो ये प्रोसेस क्या कह रही है, देखो एक बार फिर से. कंपनी ने नोटिस भेजा किसको, बेनफोर में. किसको भेजा? जिसको लगता है कि भाई वो SBO है, राइट. अब अगर नोटिस देने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कंपनी किसको भेजेगी? NCLT को. सही है, NCLT को. हाँ, अगर आपने सुकून पूर्वक रिप्लाई कर दिया, SBO ने अगर Ben-1 फाइल कर दिया तो फिर कंपनी क्या करेगी, Ben-2 फाइल करेगी. कितने दिन के अंदर? 30 days के अंदर. और कंपनी अपने आप पर एक रिकॉर्ड बनाएगी, कौन सा? Ben-3 में. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इसका मतलब याद रखना ये यहां से यहां नहीं है, ये अलग स्टोरी है. हाँ, कंपनी ने Ben-4 इशू किया और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो वो पूरा ट्राइब्यूनल वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर कंपनी ने आपको नोटिस इशू किया और फिर आपने SBO ने Ben-1 फाइल किया तो फिर वो ये ऐसा जाएगा और फिर ये ऐसा जाएगा. क्लियर है? सो इट्स लाइक 2 ways, कंपनी गिविंग यू Ben-4, यू डोंट रिस्पॉन्ड, कंपनी गोज टू NCLT, NCLT पुट्स अ रेस्ट्रिक्शन, यू हैव 2 choices, आइदर अप्लाई टू ट्राइब्यूनल और डोंट अप्लाई. इफ यू डोंट अप्लाई ट्राइब्यूनल ट्रांसफर्स योर शेयर्स टू IEPF. बट देयर इज अनदर ऑप्शन, कंपनी गिव्स यू Ben-4, मतलब गिव्स यू नोटिस के गिव द डिक्लेरेशन, यू गिव अ प्रॉपर डिक्लेरेशन तो इन विद इन 30 days, तो फिर कंपनी विल ऑल्सो गिव दैट सेम एंड फाइल इट टू ROC विद इन 30 days एंड विल मेंटेन अ फॉर्मेट और रजिस्टर विद इट्स कंपनी खुद से इन Ben-3. श्योर अबाउट दिस? सो इन शॉर्ट देर आर 4 Ben, Ben-1, Ben-2, Ben-3, Ben-4. Ben-1 इज विद इन 30 days, यू हैव टू फाइल. Ben-2 is company will file with ROC within 30 days. Ben-3 is a register which you maintain with company, खुद अपना maintain करती है. और Ben-4 में notice is given by company to those people जो उसको लगता है कि वो SBO है. Sure about this? पक्का? Now the last 3 subsections they are penalties. Now what are those penalties? You also have to understand that. So what are the penalties? So if a section 90 subsection 10 says if you do not make a declaration as required in subsection 1, right? अगर आप declaration नहीं करते जो आपको actual में करना चाहिए था तो rule कहता है fine, देखिए बड़ी खतरनाक है, minimum 1 lakh, maximum 10 lakh, या 1 साल तक जेल भी जाना सकता है या तो दोनों भी हो सकता है. मतलब आपको ने चुपचाप अगर declaration दे दिया होता तो अच्छा होता, आपने नहीं दिया तो आप पर ये penalty लगेगी.
रूल कहता है पेनल्टी लगने के बाद अभी भी आप डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हो तो ₹1,000 लगते चलेंगे फॉर एवरी वन डे डिफॉल्ट. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सो ये पेनल्टी सेक्शन 90 सब सेक्शन 10 किसकी पेनल्टी है? हाँ भाई, ये जो पेनल्टी है ये उस व्यक्ति पर है जो डिक्लेरेशन नहीं दे रहा. सेक्शन 90 सब सेक्शन 11 कौन सी है? सेक्शन 90 सब सेक्शन 11 वाली पेनल्टी कंपनी पर है. अब यहां पर लिखा है कि कंपनी सब सेक्शन 2 या सब सेक्शन 4 का नॉन कंप्लायंस कर रही है. और आपको मालूम है सब सेक्शन 2 या सब सेक्शन 4 क्या है? अरे यार, मतलब रिटर्न फाइल करना आरओसी में या रिक्वायर्ड स्टेप्स लेना टू फाइंड आउट कि कौन है एसबीओ, बेन 4 की नोटिस इश्यू करना, इंस्पेक्शन करना. कंपनी ही कोई एक्शन नहीं ले रही, कंपनी ही कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रही. तो फिर रूल कहता है द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इज पनिशेबल. यहां पर मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 50 लाख. यहां पर क्या, पर जो डिक्लेरेशन नहीं देता है उसका मिनिमम 1 था, मैक्सिमम 10 था. यहां पर तो कंपनी की तरफ से अगर डिफॉल्ट है तो मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 50 लाख, और उसके बाद भी अगर आप डिफॉल्ट करते जाते हो तो ₹1,000 प्रतिदिन लग जाएगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी. एंड सेक्शन 90 सब सेक्शन 12 सेज इफ एनी पर्सन, ये तो एक अलग ही लेवल है, विलफुली गिव्स फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. मतलब थोड़ा देखिए, सेक्शन 90 सब सेक्शन 10 में आपने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो उन्होंने आपको मिनिमम 1 मैक्सिमम 10 तक जाने दिया. सेक्शन 90 सब सेक्शन 12 में तो यू हैव विलफुली गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन. मतलब आप में एक अलग ही मस्ती है, आपने रिप्लाई किया. ऐसा नहीं कि चुपचाप रिप्लाई नहीं किया, चलो आपने रिप्लाई किया और रिप्लाई भी कैसा किया, झूठा रिप्लाई किया. यू हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन रॉन्ग. तो फिर जब आपने इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग दी है तो फिर आपको मालूम है कि सेक्शन 447 आप पर लागू हो जाएगा. और 447 इज अ खतरनाक सेक्शन, यू नो इट इज अ मिसलेनियस पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. श्योर अबाउट दिस? और आपको मालूम है कि उसके अंदर तो जो पेनल्टी है इट कैन रेंज फ्रॉम द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड टिल 3 times, और इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो मैक्स 10 साल तक भी जा सकती है. तो सेक्शन 447 विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड फिर आप पर वो लग जाएगा. तो आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो भैया पेनल्टी जो है वो 1,10,000, 1 साल तक का जेल. लेकिन डिक्लेरेशन दिया और आप गुमराह कर रहे हो, झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत सलत बता रहे हो, तो फिर आप पर सेक्शन 447 लग जाएगा. तो 90 सब सेक्शन 10, 90 सब सेक्शन 11 एंड 90 सब सेक्शन 12, देर आर 3 penalties. 90 सब सेक्शन 10 एंड 12 जो पर्सन को डिक्लेरेशन देना है उसके रिलेटेड है. सेक्शन 90 सब सेक्शन 11 कंपनी के ऊपर की पेनल्टी है. श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. दीज वर द फॉर्म्स. मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, एक तरह से प्रोसेस बताई गई आपको. यहां पर आपने देखा कि कैसे अप्लाई होता है, कंपनी ट्राइब्यूनल को कैसे बताती है, ट्राइब्यूनल क्या करता है. ये एसबीआई रूल्स के तहत बताता है कि बेन 4 जो है कंपनी किस किस को देती है. यहां पर बताया गया था कि आपको मिलने के बाद क्या प्रोसीजर होती है. हमने यहां पर देखा कि इनडायरेक्ट जो होता है वो कैसे होता है. इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि डायरेक्टली जो कंसिडर किया जाएगा तो वो कैसे होगा. यहां पर एक्टिंग टुगेदर हमने देखा. इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने ये चेक किया कि एज पर अमेंडमेंट रिन्यू रूल्स ऑफ एसबीओ एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की जो डेफिनेशन है वो क्या है. और यहां पर हमने सेक्शन 90 का बेसिक देखा कि ऐसा हर व्यक्ति जो अकेला या दूसरों के साथ इंक्लूडिंग वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग 10% का बेनिफिशियल इंटरेस्ट हैव टू इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट इट्स इंटरेस्ट विद इन 30 days. श्योर अबाउट दिस? दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 90. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई ट्राई टू गिव इन डेप्थ कवरेज ऑफ दिस सेक्शन 90 और 89 में बहुत फर्क है. मैंने आपको अभी बताया 89 एंड 90 में, 89 में देयर इज नो लिमिट, 90 में देयर इज अ लिमिट, 89 में इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल यू हैव टू स्टेट. इन सेक्शन 90 इट इज कंपलसरी फॉर यू टू बी अ
you know, a natural person, an individual, because it is not the company which has a culprit mind. It is the individuals who are running the company, jiska culprit mind hai, jisko fraud karne ka ichha hai, jisko corruption, tax evasion, money laundering karna hai. This was the recommendations given by FATF, a very, very important section. Aur ye section jo hai, ye har country ke almost har corporate law mein incorporated hai. और इसमें 39 कंट्रीज शामिल थे, मैंने आपको कहा था. तो सेक्शन 90 जो है इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव बहुत ब्रॉड है एज कंपेयर टू सेक्शन 89. श्योर अबाउट दिस, थैंक यू वेरी मच. दिस वाज अ सेक्शन 90 ऑफ कंपनीज एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू SBO. थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.